लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नवादा में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस वक्त हम एक मतदान केंद्र पर हैं। हम वोटर से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास विनीतकर नाम हुआ। अच्छा, आप वोट देने के लिए आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ी मुद्दा है विकास का मुद्दा, जाम की समस्या, नवादा को इससे मुक्ति मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और शांति रहना चाहिए, सुरक्षा रहना चाहिए महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो वोट दे चुके हैं। पहले आप स्याही देखिए, दिखा रहे हैं, ये लोग वोट दे चुके हैं, परिवार के साथ आए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार, क्या समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ रोड जैसा तैसा है, कोई काम नहीं होता है ढंग से, वो इस विकास के सिलसिला से। बस जो आप लोग की समस्याएं हैं वो कभी दूर हुई भी या नहीं? कभी नहीं हुआ। कोई भी जीत के जाता है सांसद, यहाँ दोबारा देखने के लिए भी नहीं आता। क्या वो इश्यूज हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट डाल रहे हैं? सिर्फ विकास के लिए। विकास। हमारे साथ एक माता जी भी हैं। माता जी वोट दे दी, थोड़ा दिखाइएगा स्याही। अच्छा, अब देने जा रही हैं। हाँ। अच्छा, क्या आपकी समस्याएं हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दे रही हैं? समस्याएं क्या हैं आपकी यहाँ की, क्या चीज को सोचकर वोट दे रही है, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। कुछ विकास लोग कह रहे हैं, कुछ महंगाई बता रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा तो राशन कार्ड ही नहीं बना के दिया। अच्छा, अब तक आपको राशन कार्ड ही नहीं बना? नहीं, पढ़ी साल से लिख के सब जमा किए बेटा मेरा, नहीं मिला। वार्ड कमीशन के बोलो तो बोले कि जाओ मोबाइल में देखो, अभी तक नहीं मिला। चक्कर काट रही है लेकिन बना नहीं, नहीं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, वोट देने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष जी, लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आप भी आए हैं वोट देने के लिए। क्या वो इश्यूज हैं जिनको आप ध्यान में रखकर वोट करेंगे, क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? हमारा अपेक्षाएं हैं कि हम यहाँ जो महंगाई है वो थोड़ा कम हो, बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वच्छ भारत तो कहा गया है लेकिन स्वच्छ भारत का कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि स्वच्छ भारत है। हमने पटना में हाल ही गया था शौचालय के लिए, देखा सब शौचालय गंदा है, जो कि पटना का मेन शहर है बिहार का, वहाँ इतना गंदगी है कुछ कहने का नहीं, एकदम बहुत बुरा स्थिति है। अच्छा, देखिए नवादा के एक मतदान केंद्र पर हम हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 1796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 20,10,000 करीब यहाँ पे वोटर्स हैं। प्रत्येक बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। आप लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं, लाइन में लगी हुई हैं। ये बताइए माता जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दे रही हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं? विकास होना चाहिए, सभी को सुरक्षित रखने के लिए होना चाहिए, अच्छा रहे, सभी लोग सुखी रहे, खुशी रहे, सभी को दुख दूर होते रहे। अच्छा, आपके आपके मुद्दे बताइए। सब खुश रहे और क्या, विकास होते रहे बराबर, नवादा के जो भी रहे हैं सांसद ठीक से विकास करें। बाहरी बनाम स्थानीय भी एक मुद्दा, लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद वापस लौट के आते ही नहीं है। अब ये देखिए, तो ये तो पब्लिक के मर्जी के ऊपर है, पब्लिक जो डिसाइड करेगी वही होगा। लोकतंत्र का महापर्व है, आप वोट देने आए, जो लोग नहीं देने आ रहे उनसे क्या कहना चाहेंगे, घरों से निकलिए? तो देना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, वोट तो एकदम देना चाहिए, ये आपका अधिकार है, उसको आकर के बेटा बोला जाके देना है, पैर नहीं चल रहा है और खड़ा हो गया आगे, इसलिए कि नहीं जाना है देना है, तो अच्छा बात है, हम लोग को मिलेगा सहायता मिलता है, अच्छी बात है, लोग खुशी खुशी रहे, नवादा के लोग और खुशी रहे। अच्छा, हमारे साथ और भाई साहब हैं, आपके आप भी वोट देने के लिए आए हुए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दे रहे हैं? यहाँ एक लोग कह रहे हैं कि बाहरी बनाम स्थानीय भी एक मुद्दा है, सो बाहरी लोग आके चुनाव जीत जाते हैं। विकास की बात है, बस सिर्फ विकास की बात है, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, बस यही है। और जो आप लोग की समस्याएं थी पहले, वो दूर हुई या नहीं, अभी भी वही स्थिति है? समस्याएं तो जब से हम जन्म लिए वही है, वहीं पर है समस्याएं, कुछ कम नहीं हुई है, बढ़ती ही गई है। देखिए नवादा में वोटिंग जो है वो जारी है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे गोविंदपुर हो या रजौली हो, वहाँ शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं नवादा शहर, वारसलीगंज हो, चाहे हिसुआ हो, चाहे बरबीका हो, यहाँ शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सो 1796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पे, और वोटिंग जो है वो जारी है, लोग
भीषण गर्मी में भी कड़ी धूप है, लोग लाइन में खड़े हैं और अपने वोट देने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ सुशांत कुमार, एबीपी न्यूज़, नवादा।